हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। और दोस्तों, आज फ्राइडे है और मैं आपको रिमाइंड करा दूं सबसे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे संडे के एपिसोड के लिए क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं तो पूछ लीजिए। टेक रिलेटेड हो, ऑटो रिलेटेड हो, मैं उनके क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। और दोस्तों, सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है ट्विटर की तरफ से। और दोस्तों, ट्विटर ने फाइनली अब रोल आउट करना शुरू कर दिया है अपना नया फीचर। वैसे नया नहीं कहूंगा दोस्तों, ये एक साल पहले ही उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन रोल आउट अब हो रहा है। आईओएस में प्रेजेंटली ये है और अब एंड्रॉयड वगैरह के लिए भी आने वाला है, या समझ लो आ रहा है। और दोस्तों, ये फीचर है कि ऑटो कैप्शंस, जो वीडियोस वगैरह आप ट्विटर पे डालते हो बना के, उसके ऊपर पहले कैप्शन आपको या तो खुद डालनी पड़ती थी या कुछ होता था मैनुअल बेसिस पे, तो अब ऑटोमेटिकली जो ट्विटर है उसके ऊपर कैप्शन लगा देगा लैंग्वेज के हिसाब से। दोस्तों, अगला अपडेट निकल के आ रहा है वन प्लस की तरफ से। और जो वन प्लस है, उनके जो वाई वन एस सीरीज लॉन्च हुई थी, 50 इंच का इसमें टीवी था या और भी थे, तो दोस्तों सभी टीवीज जो हैं उनके अब 7000 रुपीज से उनका प्राइस बढ़ चुका है। तो अब जो यू वन एस सीरीज है उसके अंदर अगर आप लेने जाओगे तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, 7000 रुपीज एक्स्ट्रा। और दोस्तों, आज माइक्रोसॉफ्ट ने वैसे बताया कि ये एक्सीडेंटली रिवील कर दी थी कि उनकी विंडो 365 आ रही है। और दोस्तों, आज उनके प्राइस निकल के सामने आ गए हैं कि विंडो कितने में आपको मिलेगी। और दोस्तों, बेसिकली ये कुछ कंफ्यूजिंग सा है, मैं खुद कंफ्यूज हूं इससे, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको लिखा गया है ये विंडो आपको मिलेगी $31 रुपीज में, यानी कि ये पड़ता है आपको 2300 रुपीज का। और दोस्तों, ये मंथली लिखा हुआ है उन्होंने कुछ, तो बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे चलेगी, हो सकता है मंथली आपको फीस पे करनी पड़े, तो कुछ ऐसा कुछ सामने निकल के आ रहा है। बेसिकली इसके प्लान्स निकल के आएंगे अलग अलग। ये 2 सीपीयू के लिए मैंने जो प्राइस बोला है वो है, और जो छोटे कुछ 50 जीबी की रोम होगी तो उसके अंदर आपको कुछ 1800 रुपीज भरने पड़ेंगे पर मंथ, ऐसा कुछ प्लान्स निकल के आ रहे हैं बेसिकली। तो एग्जैक्टली कुछ खिचड़ी सी पकी पड़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ढंग से। तो देखते हैं जब 2nd अगस्त को माइक्रोसॉफ्ट खुद लॉन्च करेगा तो एग्जैक्टली सारा कुछ बता देगा कि क्या कुछ निकल के आ रहा है। और दोस्तों, अगली एक रिपोर्ट निकल के आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने कहा है कि इसराइल का कोई ग्रुप है जो कि कुछ क्रिएट कर रहा है टूल्स को, और उन्हें अपडेट भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है, और वो कर रहा है स्पेशली विंडोज को हैक करने के लिए। तो ऐसा कोई आप कह सकते हो कि जो ऑथोराइज्ड टूल हो वो आप कर सकते हो अपने विंडो के अंदर, लेकिन जो ऑथोराइज नहीं है, अनऑथोराइज टूल्स होते हैं या फिर जिनके अंदर आप कह सकते हो सिक्योरिटी वगैरह का इश्यू होता है, वो वैसे आप सॉफ्टवेयर टूल्स या फिर चीजें जो भी होती हैं वो डाउनलोड ना करें अपने विंडो में, क्योंकि ये आपके विंडो को हैक करने का काम कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, फाइनली आज निकल के आ गया है एक अपडेट, और ये आया है कि जो शाओमी है उसने एप्पल को बीट कर दिया है दुनिया में सबसे, मतलब नंबर वन पे तो नहीं, सेकंड पे आ चुका है शाओमी, क्योंकि पहले बहुत सालों से एप्पल चल रहा है। बेसिकली दोस्तों, सबसे नंबर वन पे आता है सैमसंग और उसके बाद आता था एप्पल, और एप्पल अब बीट हो चुका है, एप्पल थर्ड नंबर पे हो गया और जो शाओमी है वो सेकंड नंबर पे चला गया। और दोस्तों, फाइनली आज डेट निकल के आ गई है पोको F3 GT की, और ये 23rd of July को लॉन्च होने वाला है, तो ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, बहुत पास में ही है, रह गया है। और दोस्तों, इसके अंदर बताया जा रहा है, मैंने आपको बताया था 2 कलर आने वाले हैं, तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। और वैसे सारी स्पेसिफिकेशन सेम ही निकल के आएगी। और दोस्तों, एक अपडेट निकल के आ रहा है एप्पल की तरफ से, और एप्पल 13 सीरीज जो होने वाली है उसके अंदर Wi-Fi 6E का सपोर्ट होने वाला है, 6 Hz के बैंड होने वाले हैं इसके अंदर। तो ये कुछ र्यूमर्स निकल के आए हैं फिर से, र्यूमर्स एप्पल iPhone 13 के लिए। और दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग ने आज नहीं दोस्तों, वैसे कल रात को मेरे को मैसेज आया था सैमसंग की तरफ से, और उन्होंने M21 टीज कर दिया। M21 वैसे आपको याद होगा दोस्तों, ये 2020 का फोन है, और अब ये 2021 में वापस आ रहा है, ये मॉन्स्टर एडिशन इनका, और इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी होने वाली है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाला है, SAMOLED यानी कि सुपर एमोलेड स्क्रीन होने वाली है दोस्तों। तो काफी इंटरेस्टिंग सा पैकेज निकल के आ रहा है सामने, वैसे देखते हैं और कुछ क्या क्या निकल के आता है। और दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है Amazon प्राइम डे सेल के लिए, और जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि इसके ऊपर काफी अच्छे डिस्काउंट मिलने वाले हैं आईफोन 11 के ऊपर, वन प्लस 9 सीरीज के ऊपर, तो ये काफी अच्छे अच्छे इनको डिस्काउंट मिलेंगे इसके अंदर। और काफी अच्छे अच्छे डिस्काउंट निकल के आ रहे हैं, स्पेशली लैपटॉप वगैरह के ऊपर आपको 35000 रुपीज तक डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसी तरीके से जो एक्सेसरी वगैरह होती है इसके ऊपर आपको
50% डिस्काउंट और 70% डिस्काउंट, ऐसे ऐसे अलग अलग लिखे आ रहे हैं। तो 26 और 27 जुलाई को है ये, तो जिनके पास प्राइम मेंबरशिप है वो जरूर देखिएगा। और दोस्तों फाइनली गूगल ने जो ये फीचर बताया था उनका, 15 मिनट्स का अंदर अंदर आप डिलीट कर सकते हो अपनी हिस्ट्री को, मतलब पिछली 15 मिनट की जो भी आपने किया वो इस हिस्ट्री को, वेब हिस्ट्री और एक्टिविटी हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। तो वो हिस्ट्री की जो अपडेट आ चुका है डिलीट करने के लिए iOS के लिए, अभी एंड्रॉयड के लिए भी जल्दी आने वाला है, तो ये फाइनली शुरू कर दिया गूगल ने रोल आउट करना। और दोस्तों आज जापान में एक रिसर्च हो रही थी और उसमें निकल के आया है कि जो 5G की स्पीड उन्होंने टेस्ट की है वो बहुत ही जबरदस्त निकल के आई है। 3001 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे कुछ जा रही थी स्पीड उसकी, तो बहुत ही ज्यादा स्पीड निकल के आई है। और ये उन्होंने कहा है कि अगला नेक्स्ट जनरेशन वाले हो सकते हैं, उसकी स्पीड हो सकती है, तो ये 6G की तरफ इशारा हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से, और जो एप्पल है उसने कुछ डिस्काउंट्स वगैरह शुरू किए हैं, स्पेशल स्टूडेंट्स डिस्काउंट। और दोस्तों स्टूडेंट डिस्काउंट के अंदर ये है कि आप मैक वगैरह खरीदते हो तो उसमें आपको एयरपॉड प्रो फिर मतलब फ्री मिल सकता है। और दोस्तों ये आपको मतलब कुछ कंडीशंस के ऊपर होगा, और एप्पल के कुछ स्पेशल एग्जीक्यूटिव या कुछ मतलब पर्सन आएंगे, वो एग्जामिन करेंगे कि आप स्टूडेंट हो नहीं हो, आपने फिल किया है ये चीज लेने के लिए, तो अलग अलग वो कंडीशंस फुलफिल करोगे तो आपको मिल सकता है काफी अच्छा एयरपॉड प्रो फ्री में मैक के साथ। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है वनप्लस की तरफ से, और वनप्लस जो है उसकी वॉच कोबाल्ट ये सेल पे चली गई है आज, और इसका प्राइस निकल के आया है 19,999 रुपीज। और दोस्तों इसके ऊपर कुछ ऑफर्स आई हैं, तो वो आई है कि 1,000 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप HDFC बैंक के थ्रू खरीदते हो, तो अगर आपको लेनी है दोस्तों तो आप जाके चेक कर सकते हो। और दोस्तों अगला अपडेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से, और जो व्हाट्सएप है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने 2 मिलियन अकाउंट्स को बैन किया है। दोस्तों 2 मिलियन अकाउंट्स, दोस्तों ये काफी ज्यादा बड़ा नंबर है, और वो भी सिर्फ एक महीने के अंदर। दोस्तों इन्होंने कहा है कि ये फेक न्यूज वगैरह फैलाने वाले या गलत एक्टिविटीज को प्रमोट करने वाले अकाउंट्स थे, तो इन्होंने इसलिए इनको बैन कर दिया। और दोस्तों एग्जैक्टली इन्होंने एक महीने के अंदर अंदर 20 लाख अकाउंट बैन किए इंडिया के अंदर सिर्फ, दोस्तों ये बहुत बड़ी फिगर है। और दोस्तों अगली न्यूज बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है प्रोसेसर की दुनिया में, क्योंकि दोस्तों मीडिया टेक ने आज 2 नए प्रोसेसर लॉन्च कर दिए हैं। 4G प्रोसेसर है दोस्तों, पर काफी जबरदस्त है, क्योंकि ये G90 सीरीज और G80 सीरीज में 2 आए हैं। G80 सीरीज में आया है G88 और G90 सीरीज में आया है G96, तो ये काफी जबरदस्त प्रोसेसर है दोस्तों 4G के अंदर, और ये काफी अच्छी गेमिंग वगैरह एक्सपीरियंस देंगे आपको, तो काफी जबरदस्त न्यूज है दोस्तों। और दोस्तों अब बारी है ऑटो न्यूज की, और ऑटो न्यूज में सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है ओला की तरफ से, और दोस्तों ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रिजर्वेशन को शुरू कर दिया है। आपको अगर लेना है तो आपको सिर्फ 499 रुपीज पे करने पड़ेंगे, उनकी ओला की साइट है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बुक करने के लिए, तो आप जा सकते हो उनपे बुक कर सकते हो। वैसे दोस्तों ये आ सकते हैं इस मंथ के एंड तक, डेट तो नहीं रिवील हुई है, बट फिर भी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के एंड तक तो आ ही जाएंगे, तो अच्छी न्यूज है दोस्तों ओला के स्कूटर्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है, उन्होंने कहा है कि 2035 तक वो पूरी तरह से बैन कर देंगे फ्यूल वाले इंजन को, यानी कि पेट्रोल डीजल सब बैन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन ही चलेंगे। तो ये उनका एक स्टेप है इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ जाने के लिए, यानी कि इको फ्रेंडली स्टेप दोस्तों। और दोस्तों मेरी तरफ से अगली न्यूज निकल के आ रही है महिंद्रा की तरफ से, और दोस्तों महिंद्रा की एक eKUV100 आने वाली है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में आने वाली है, ईवी होने वाली है उनकी, और इसके अंदर 15.9 किलोवाट की बैटरी होने वाली है। और दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम रेंज होने वाली है, यानी कि एक बार फुल चार्ज होने पे, वो होने वाली है 150 किलोमीटर, तो दोस्तों ठीक ठाक रेंज कहूंगा क्योंकि बाकी गाड़ियों काफी ज्यादा आती है। तो दोस्तों इसकी जो पावर आउटपुट है वो है 54.4 HP की, और इसका जो टॉर्क आने वाला है सामने वो आने वाला है 120 का। तो दोस्तों क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी छोटी है, थोड़ी की काफी छोटी है, 15.9 किलोवाट की है, तो इसलिए इसकी पावर वगैरह सारी कम है, लेकिन टॉर्क ज्यादा है, तो काफी अच्छी कार है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे होती है आज की न्यूज एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।